सोलन में टैक्सी चालक एक तरफ कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं, वहीं प्राइवेट गाड़ियों का टैक्सी के तौर पर प्रयोग होने से इस वर्ग का रहा सहा रोजगार भी छिन गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार को टैक्स देने के बावजूद प्रशासन ऐसे वाहन चालकों के आगे बेबस नजर आ रहा है। सोलनी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की तरफ से इसकी शिकायत आरटीओ सोलन को कई बार की गई है, बावजूद इसके प्राइवेट गाड़ी चालक बेखौफ होकर सवारियों को उठा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग भी कहीं न कहीं इन प्राइवेट वाहन चालकों के आगे बेबस है। सोलन टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने एक प्राइवेट वाहन को सवारियां ले जाते हुए पकड़ा और इसकी शिकायत आरटीओ सोलन व पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कानून के तहत उस वाहन चालक का चालान काटकर इतिश्री कर दी, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों पर लगाम लगाई जाए, कि कोरोना के चक्कर में टैक्सी का काम बिल्कुल मंदा हो गया है, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार प्राइवेट गाड़ियों पर लगाम लगाए। और हमने आज भी एक गाड़ी पकड़ी है, जो हमने आरटीओ को फोन किया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन भेजा, हमने सुकून चौकी में हमने ये उसके ऊपर कार्रवाई की है, उन्होंने उनका चलान किया है, और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जब हम चेकिंग पे जाते हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं है जो प्राइवेट व्हीकल है और उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा है। ऐसी गाड़ियों का अगर कहीं चेकिंग के दौरान पाई जाती है, पकड़ी जाती है, तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। कुछ इसमें दिक्कतें भी हम लोगों को जो है वो पेश आती है कई बारी, कि जो पैसेंजर भी बैठे होते हैं वो भी कहते हैं कि जी देखो, हम उनसे कोई किराया नहीं लिया गया है, हम कोई पे नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो कहीं जा रहे हैं तो हमने कुछ पे नहीं किया है। तो इस तरह की भी हमें दिक्कतें आती है, शिकायतें ज़रूर बार बार आती है, लेकिन हमारी यही अपील है कि कोई भी आदमी जो है रूल की जो है वो वायलेशन ना करे, उल्लंघन ना करे, और अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उसका कमर्शियल यूज़ ना करे। अगर कभी भी कोई भी ऐसी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उस पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। या तो रख साया अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।